राजा। क्या है? मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बात कर तो रहे हैं। साइकिल रोको, देर हो जाएगी। प्लीज, आज तुम अकेले हो इसलिए मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं क्या कह रही हूँ तुम कुछ सुन रहे हो? राजा, राजा। संभलो कमली। बाप रे, तुम उठो, ठीक तो हो ना तुम? पैर में कांटा चुभाया गया तुम्हारे। रुको, मैं निकालता हूँ। हाँ, दिख रहा है, छोटा सा कांटा है, अभी निकाल देता हूँ। कांटा निकाल दिया मैंने, अब ज्यादा दर्द नहीं होगा। चलो उठो, अब यहाँ पर थूक दो। हाँ ठीक है, बचपन में जब मैं गिरता था तो मेरी माँ ऐसा ही करती थी। तुम्हारी माँ जिंदा है? चलो उठो, घर चलते हम लोग। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? ये लो, पहनो इसे। ये बैग तुम्हारा, पकड़ो इसे। राजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त मेरा मूड सही नहीं है, घर चलो, वहीं बात करते हैं। चलो बैठो। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। देखो घर के पास इतनी भीड़ क्यों लगी है? हाँ, किसी की कार भी आकर खड़ी है। राजा, कहीं दादी को तो कुछ। दादी। ए, कहाँ रह गई थी? जल्दी नहीं आ सकती थी? क्या खड़ी खड़ी बातें कर रही हो, जाके तैयारी करो। भाई साहब, ये है मेरी बेटी कमली। अच्छा। अभी आ जाएगी तैयार होके, 5 मिनट लगेंगे, तैयार होके आ जाएगी। कोई बात नहीं, जब लड़की देखने आते हैं तब लड़की बाहर से आए तो शुभ मानते हैं। ये सब क्या है माँ? ए, वो लोग तुझे देखने आए हैं। मुझे क्यों देखने आए हैं? बकवास मत कर, अच्छे लोग हैं, ऊपर से पैसे वाले हैं, देख कर हाँ कर ले, तैयार हो जा, जल्दी आ। मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है। शादी से पहले सभी लड़कियाँ ऐसे ही कहती हैं, शादी के बाद पति के बिना एक पल नहीं रहती। चलो बेटी, सबको कॉफी दो, जाओ सबको दो। क्या पढ़ रही हो बेटी? BA। पढ़ाई में होशियार है, लगती भी अकलमंद है। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटी। भाई साहब, आपकी बेटी महालक्ष्मी के रूप में घर आए, आकर हंसते खेलते खुशी से रहे, हमारे लिए यही बहुत है। आपकी बेटी से भी एक बार पूछ लीजिए, वो क्या है ना, आज के जमाने की बच्ची है ना। अरे समदी जी, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात कभी नहीं टालते। आप जैसे घर का रिश्ता मिला, हमारे लिए यही बहुत है। राजा, तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है, घर वालों को भी पसंद है, तू भी हाँ कर दे। मैं हाँ नहीं करूंगी। मतलब? एक को दिल में बसाकर दूसरे से शादी करके घुट घुट के नहीं जी सकती राजा। हा? दुख झेलकर जीने की हिम्मत नहीं है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। ये कमली, तू कैसी बातें कर रही है? जिद छोड़ दे, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। मुझे लगता था तुम्हें नाटक करना आता है। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। कुछ भी बोलो, लेकिन राजा के आने से हमारी तो जैसे किस्मत ही खुल गई है, क्या बोलती हो? मैंने तो सोचा था घर में अंधकार होगा, लेकिन उसके आने से घर रोशन हो गया। दिए के नीचे ही हमेशा अंधेरा रहता है। कैसी बातें कर रही है माँ जी? कमली और राजा को साथ में देखकर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये तुझे क्या पता? न घर का पता, न जाति का पता, न कुल का पता, घर में घुसा के बैठे हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें दिखाने के लिए इंसानियत की नजर भी तो होनी चाहिए। बेवकूफ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, हमें उससे क्या करना है? राजा कैसा इंसान है ये मैं जान गया हूँ। तुम्हारे घर में मुझे बहुत इज्जत मिली है, खाने को खाना मिला है,
और ऐसे इंसान के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकता। राजा तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारे दिल में सबके लिए इज्जत है, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल हमारे घर वालों के अंदर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर तुमने मेरी इज्जत और जान क्यों बचाई? किसी ने मुझे हाथ लगाया तो तुम उस पर क्यों टूट पड़े? उस जगह तुम्हारे अलावा कोई और लड़की भी होती तो मैं उसकी भी जान बचाता। दुनिया क्या कहती है, सोचना छोड़कर जाके सो जाओ। घर की बुजुर्ग हो तो थोड़ी अकल की बात किया करो, कुछ भी बोलती रहती हो। तुम अपने आप को धोखा मत दो प्लीज। तुम्हारी आंखों से निकलने वाला आंसू कह रहा है कि सच्चाई क्या है। मुझे जिंदगी दो। तुमसे दूर रहकर मैं नहीं जी सकती राजा। तुम मेरी जान मांगोगे मैं दे दूंगी। मुझे छोड़ दो कमली, घर वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे। अरे समझती क्यों नहीं, छोड़ो। पापी नमक हराम की औलाद, तू चुप कर। मैंने तुझे घर में सहारा दिया और तुम्हें अपनी औकात दिखा दी। तुम्हें अपनी औकात दिखा दी तुम्हें। ए तो है और तेरी तो नमक हराम कुत्ते, अपनी औकात दिखा दी तूने। मैंने शरीफ आदमी समझा था तुझे। अरे छोड़े, क्या कर रहे हैं? तू बीच में मत बस करो। चल। अरे क्या कर रहे हो? चल यार। क्या तमाशा बना रखा है? यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल, निकल। चल। मेरी मौत सही कहती है। ना चाहता होता। ना शोर बंद करो। ना तेरे लिए। अरे दोबारा यहाँ दिखना नहीं, इज्जत से चला जा। राजा, ऐसी कोई गलती नहीं है प्लीज। एक शब्द भी और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अंदर जा। मैंने तो पहले ही कहा था, रो रो। चल अंदर जा। चल चल चल। माँ पापा को। मैं कोई अवतार या देवता नहीं हूँ जो गलती को माफ कर दूं। मालिक मैं सच कह रहा हूँ। तेरे जैसे नमक हराम को तो गांव के बाहर ले जाके खाड़ी में धकेल के मार देना चाहिए। निकल। मैं नमक हराम नहीं। अगर तू सच्चे माँ बाप की औलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की खबर मिलनी चाहिए मुझे, समझा? निकल 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 यहाँ से।